हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन नंबर 71। एज पर सेंसस 2011 प्रोविजनल टेबल द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज, आंसर इज वेरी वेल नोन, बी उत्तर प्रदेश, ऑलमोस्ट 20 करोड़ का आबादी है। आप ये भी ध्यान देना कि हु आर द टॉप 5 स्टेट्स, दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन आंध्र प्रदेश। समटाइम्स इन एग्जाम वो अरेंज करने के लिए भी आता है। क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, देर आर फ्यू क्वेश्चन विच आर यू नो वेरी आउटडेटेड, जो अभी के लिए एकदम मतलब इरिलेवेंट है, सो आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चन। 72 एंड 73 वही कैटेगरी में पड़ता है। 73 में एक इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का तरफ से वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट कोई बना था, तो वो कौन है? तो इसमें आंसर है कौशिक बासु, जो पहले प्राइम मिनिस्टर का एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर था, बट इट्स वेरी इरिलेवेंट। 74 ऑल्सो इज ऑल्सो वेरी इरिलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 75 भी उतना ही भी बिल्कुल जरूरत नहीं 75 का, सो वी विल मूविंग द क्वेश्चन नंबर 76। अभी देखते हैं 76 में क्या है, कुछ नया है ना, ये भी वही 76 भी वही है, ये उस समय के लिए था सोलर पावर 600 मेगावाट वाला, अभी काम नहीं है। 77 इज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि द किसन गंगा रिवर, अब न्यूज में देखता होगा, ऑन विच इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग ए पावर प्रोजेक्ट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो किसन गंगा बोलने से हमेशा जम्मू कश्मीर का वहां पे था, तो इंडिया पाकिस्तान का ऊपर ये इशू बनता है, तो किसन गंगा जो है ये जेलम का ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर इज दी जेलम रिवर। क्वेश्चन नंबर 78 ये भी एकदम आउटडेटेड, सो इट्स वेरी यूजलेस टू डिस्कस इट। क्वेश्चन 79 ये भी एकदम आउटडेटेड हो गया। 80 इज वेरी इजी, आता एग्जाम में, समटाइम्स इट कम्स नो। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन इज कॉल्ड, सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? आंसर इज दी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो छोटा मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो सन में वही हो रहा है, सन एंड द अदर स्टार्स। 81 हेवी वाटर इज नॉर्मली यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। हेवी वाटर ये वर्ड जब भी सुनेगा तो आंसर यू कैन टिक मार्क ऑप्शन सी, देयर इज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट। हेवी वाटर ये जो इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज करता है ना। क्वेश्चन नंबर 82 वी विल ट्राई टू सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 100 नो। 82 नॉर्मन अर्नेस्ट बोल्क, जिसको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो वर्ल्ड का है, इंडिया का तो डेफिनेटली ये तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग विच इज रिगार्डेड इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है बोल रहे हैं। तो बेसिकली इज एन अमेरिकन, तो ये यूएसए का, आंसर विद बी बी। ये अलग बात है कि ये मेक्सिको में काम किया है, अलग अलग कंट्री जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री उसने बहुत काम किया, बट बेसिकली ही he was born and later on he died in USA only. Answer is B. 83. The branch of study dealing with old age and aging is called. तो इसका आंसर है C. Gerontology. Gerontology. Answer B and C में तो doubt रहेगा, because oncology सबको पता है, it's related with tumors. D सबको पता है, ornithology, जो robot 2 movie देखा होगा वो, that is birds, study of birds. बी एंड सी में डाउट था, बट बी इज यू नो बेसिकली ये जो एबनॉर्मल जो फॉर्मेशन होता है उसका ऊपर स्टडी होता है, दिस टेराटोलॉजी। सो आंसर इज सी जेरोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 84 अस्त्रा विच वॉज इन न्यूज इन रिसेंट पास्ट इज द नेम ऑफ ए न्यूली डेवलप्ड, दिस इज ए एयर टू एयर मिसाइल। 85 ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। लुक दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी बट एट द सेम टाइम वेरी ट्रिकी। जब भी हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी तो डेफिनेटली पानी से लेने देना है, तो आंसर वुड बी हाइग्रोमीटर, ऐसा लगता है हम लोग को नो, हाइग्रो मीन्स पानी वगैरह, बट आंसर इज सी हाइग्रोमीटर, इट्स हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है दैट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो है हाइग्रोमीटर, बट वेन एवर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी द आंसर वुड बी हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 86 रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज जो हमारा है कीप्स फूड अनस्पॉइल्ड, वो जो सब्जी को क्यों खराब नहीं करता है पूछता है, तो आंसर इसमें सी एंड डी को लगता है, बट आंसर इज डी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, बिकॉज एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड मोल्स आर इनएक्टिव, वो लोग एकदम इनएक्टिव हो जाता है, तो इसलिए वो जो सब्जी या जो है खराब नहीं रहता।
87 इज ऑल्सो आउटडेटेड, इवन 12 का पूछ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 88। होपफुली कुछ अच्छा क्वेश्चन हो 88 नो, जो थोड़ा बहुत एग्जाम में रिपीट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेजेंटली वी हैव 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था पूछने से आंसर वुड बी ए, दैट इज 8 कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम लोगों ने 4 और 8 किया है, सो आंसर वुड बी सी 12। क्वेश्चन नंबर 89, द रुड़केला स्टील प्लांट इन ओडिशा वॉज बिल्ड विद द कोलाबरेशन ऑफ। ये कई वही पूछते हैं रुड़केला, दुर्गापुर, बिलाई वगैरह का, थोड़ा सा टफ है याद रखने के लिए, बट आंसर इज बी जर्मनी। उस समय ईस्ट सॉरी वेस्ट जर्मनी था, दैट इज इन 1960s में था, आंसर वुड बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन दिस इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज, आंसर इज सी 1951। आजादी के बाद लगा है कि नो वी नीड रेलवे, एकदम माध्यम बनता है एकदम स्पेशली ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए, तो 1951 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 91, हु स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट? इसका आंसर है ए डॉक्टर दयानंद सरस्वती, सॉरी नो डॉक्टर बट स्वामी दयानंद सरस्वती। ये शुद्धि मूवमेंट, घर वापसी वगैरह वगैरह जो था वो था। क्वेश्चन नंबर 92, विच पाकिस्तान प्रेसिडेंट साइन तास्केन एग्रीमेंट? ये थोड़ा से टफ है, विच पाकिस्तान प्रेसिडेंट साइन तास्केन एग्रीमेंट? तो इंडिया और पाकिस्तान वॉर 1965 के बाद जो एग्रीमेंट किया है, तो इंडिया की तरफ से किया था प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, इसे और बाद में उसका वहां पे जान चला गया, पता नहीं वो हार्ट अटैक से मरा है बोलते हैं, बट देयर आर सम अदर कंस्पिरेसी थियोरी ऑल्सो। आंसर इज सी अयूब खान। अयूब खान वॉज यू नो पाकिस्तान का वो मेजर जनरल था, आर्मी में था, बाद में वो जो कूप करके वहां का प्रेसिडेंट हुआ था, खुद प्रेसिडेंट बन गया था, तो आंसर इज सी अयूब खान। क्वेश्चन 93, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? वेरी इजी आंसर विटामिन डी। क्वेश्चन 94, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? आंसर इज ए लंडन, ये तो यूनाइटेड किंगडम का है, तो आंसर वुड बी ए यूनाइटेड लंडन। क्वेश्चन 95, लास्ट 10 क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग ए, ये पूछे 95 का। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस मतलब आप बस दूर का देख सकते हैं, आपको पास का इतना दिखाई नहीं देगा, एंड जनरली दिस हैपेंस जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं ना, तब इसका ज्यादा असर होता है, तो आंसर इज ए कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन 96, पॉइस इज द यूनिट ऑफ? पॉइस, पॉइस का तो यस डेफिनेटली इट्स आंसर इज बी विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। 97, व्हाट इज द कलर ऑफ सोडियम वेपर लैंप? यू नो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ सोडियम वेपर लैंप? आंसर इज सी येलो। 98, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम दिस सेंट्रल बैंक जो हम आरबीआई है, इसको बोलता है रेपो रेट, सभी को पता होगा ये रेपो रेट। क्वेश्चन 99, ये भी आउटडेटेड हो गया, बट ये पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज विनर पोर्ट 19 लिटरेचर का, अगर आपको मालूम है तो अच्छा बात है, दैट इज पीटर हैनले। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट फास्टेस्ट मूविंग? ये मत देखो कि ये रोटेशन नहीं पूछ रहा, ये रिवोल्यूशन पूछ रहा है बेसिकली, कि सन को कितना जल्दी वो मूव करके रिवॉल्व करता है, तो आंसर इज डी मर्कुरी, जितना फास्ट रहेगा उतना स्पीड घूमेगा, बट मर्कुरी रोटेशन बहुत स्लो होता है इन लोगों ना, रोटेशन में जो जुपिटर जो बड़ा बड़ा प्लैनेट्स है वो लोग बहुत स्पीड से रोटेट करता है, बट दियर रेवोल्यूशन पीरियड इज वेरी स्लो, सो आंसर इज डी मर्कुरी। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी वी विल डू इन सम अदर वीडियो।